हाउ टू डील विथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सारे यस yes. कितने sir. कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक. जी जो डिप्रेशन वर्ड है आजकल बहुत कॉमन हो गया है. छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. हंसने वाली बात नहीं है और वो दवाइयां खा रहे हैं. अब सबसे पहले हमको मिल करके ये समझना है व्हाट इज डिप्रेशन और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है. क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है या फिर इसका फिजिकल जो हमारे अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर उससे भी कोई कनेक्शन है. सर डिप्रेशन बेसिकली मुझे ये लगता है कि वो चीज़ है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हमें डर होता है कि हम वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. वो किसी और की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है. तो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती अल्कोहल ले लेते हैं, सिगरेट्स ले लेते हैं. और सिर्फ सिगरेट और अल्कोहल ही नहीं, मेडिकेशंस हैं बहुत सारी. यस सर. मेडिकेशन पे हम चले जाते हैं, फिर मेडिकेशन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं. बिल्कुल सर. कोई भी मेडिकेशन होती है उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं. हाँ जी सर. पॉइंट ये आ रहा है व्हाट इज डिप्रेशन. पीछे उनको देना माइक. स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कर रहा है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव. कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारे फीलिंग्स इमोशंस काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई फिजिकल रीजन भी है. हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉब्लम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखते हैं और उस फ्रेगमेंट पे काम करते रहते हैं. होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी. होलिस्टिक मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. मान लो प्रॉब्लम ये है, इसके इतने से एस्पेक्ट को हमने देख लिया या आधे को देख लिया और उस आधे को ठीक करते चले जा रहे हो, क्या उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. तो वन इज साइकोलॉजिकल, विच आई एग्री इट इज, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उल्टा सोचोगे तो फिजिकली हमारे बॉडी के ऊपर रिएक्शंस उस तरह के होने लग जाएंगे. स्ट्रेस होगा तो फिजिकली प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे. बट क्या इसका कोई फिजिकल रीजन भी है डिप्रेशन का. कंसेक्यूटिव फेलियर्स, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक. ड्यू टू कंसेक्यूटिव फेलियर्स, एक बार बंदा फेल हुआ उसके बाद दोबारा होता है, फिर दोबारा होता है, तो देन समवेयर द पर्सन स्टार्ट्स टू थिंक दैट इट्स नॉट जस्ट माई बिलीफ, इट्स एक्चुअली ट्रू दैट आई एम नॉट दैट एबल. आप अगेन जो आप बोल रहे हो किस लेवल पे है वो, फिजिकल लेवल पे है साइकोलॉजिकल लेवल पे. ये तो हो गया साइकोलॉजिकल, जिस पे मेरे बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हैं कि फेलियर से कैसे डील करना है, नेवर गिव अप, लाइफ को किस तरीके से देखना है, कि एक इवेंट का एंड आपकी लाइफ का एंड नहीं है. क्या इसके पीछे कोई फिजिकल रीजन भी है या नहीं है. फिजिकली कुछ ऐसा हो रहा है हम सबके साथ में जहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और उस फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकली वी आर नॉट फीलिंग गुड. कई बार ऐसा नहीं होता कि उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ में, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग बैड. ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. मतलब बिना किसी वजह के ही मूड खराब है, ऐसा होता है नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है. फॉर एग्जाम्पल बीमार होते हैं तो अच्छा फील नहीं होता, तो क्या वो साइकोलॉजिकल रीजन है या अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कुछ कोई गड़बड़ हो रही है फिजिकल लेवल पे. ज्यादातर यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. होता क्या है कि इफ अ पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड, वो दो तीन दिन तक फॉर एग्जाम्पल बेड पर है, उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दैट पर्सन इज फीलिंग सैड विदाउट एनी, नहीं वो ब्रेकअप नहीं, वो तो फिर साइकोलॉजिकल हो गया. समझ गए, ब्रेकअप की वजह से बहुत सारे लोग खुश भी तो होते हैं. ध्यान से समझ लेना, आप किसी डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो साइकोलॉजिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा. वो क्या करेगा, फटाफट से अपना वो निकाला, उस पर लिखा, ये खा लो. तो वो किस लेवल पे काम कर रहा है, फिजिकल. और एक्चुअल में साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद काम करना होता है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है. बाहर से कोई कितना भी बोलता रहे, चाहे वो डॉक्टर बोल रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई और बोल रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके खुद के अंदर से ना आ जाए कि मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है. तो साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे ठीक करना है वो किसके हाथ में कंट्रोल है, पूरी तरह से आपके हाथ में है. पहले तो इसको अच्छे से समझ लो. जिसने सोच लिया कि नहीं अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, एक सेकंड में बाहर. मतलब एक महीने तक बैठ करके रो रहे थे, ऐसा होता है लाइफ में, नहीं होता है. तो कुछ गड़बड़ हो गई, पड़े हुए हैं, अरे यार सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचाया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरी जिंदगी झंडा है, ये है वो, ये सब उल्टा सीधा अपने आप को बोले चले जा रहे. एकदम से एक मूवमेंट नहीं आता है, चल खड़ा हो आगे बढ़ यार कोई बात नहीं क्या हो गया, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है. इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल. उस वक्त अगर फिजिकल भी जो हमारी बॉडी का जो केमिकल लोचा है वो हमारा साथ दे तो और अच्छा हो जाएगा. यही तो दवाइयां करती है, जो डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं उससे क्या होता है, अंदर जो फिजिकल लेवल पे गड़बड़ हो रही होती है उसको वो संभाल लेते हैं, उसके भी सिम्टम्स को संभालते हैं, कॉज को नहीं. आज हम कॉज पे जाने वाले हैं. दोनों में फर्क समझ आ रहा है. कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं फिजिकल लेवल पे, कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारे अंदर ब्रेन में,
फॉर एग्जाम्पल सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है बेसिकली. कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो यू आर फीलिंग बैड विदाउट एनी रीजन. उसके साथ में कुछ और भी उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे हैं, तो और एक साइकिल घूम रही है, उन थॉट्स की वजह से और बुरा लग रहा है, जितना बुरा लग रहा है और थॉट्स आ रहे हैं. जब मूड खराब होता है तो कैसे गाने सुनने का मन करता है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? और जितने सैड गाने सुनते हो क्या होता है? और सैड. और जब मूड बहुत बढ़िया होता है तब कैसे गाने सुनने का मन करता है? एनर्जेटिक. समझ रहे हो ना ये कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल. इन दोनों को अगर हम समझ पाएं और इन दोनों लेवल्स पे अच्छे से काम करें, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का हम एक्चुअल में परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाए. अब इसको ध्यान से समझ लेना, मतलब फिजिकली क्या गड़बड़ होती है. कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारी ब्रेन में, वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वी स्टार्ट फीलिंग बैड. और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं उसको. तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है जो रिलीज नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर देती है, वो रिलीज होने लग जाता है. तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है, दवाई लेते एकदम से अच्छा फील होने लग जाता है. बट क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? बीमारी का इलाज करने के दो तरीके हैं, एक है बीमारी के जो सिम्टम्स हैं सिर्फ उसका हम इलाज करें, एक है बीमारी की जड़ को काट दें. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में आपके फ्यूल नहीं है और आप साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा सोच रहे हो, मुझे वहां जाना है, ये मेरा गोल है, ये मेरी ये, मैं इतनी स्पीड पे चलाऊंगा, सारा प्लान बना लिया, गाड़ी में फ्यूल ही नहीं, दबाए चले यार रेस. तो रीजन क्या है, फिजिकल है साइकोलॉजिकल है? फिजिकल. ऐसे ही बॉडी में अगर हमारे फ्यूल ही नहीं है या फ्यूल में ही मिलावट है तो रीजन फिजिकल हो गया. मान लो किसी का पेट ब्लॉक है, चार पांच दिन से काम ही नहीं हुआ है और वो यहां पर बैठे हुए हैं, वो बैठे होंगे क्या वो ढंग से समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा, सब ब्लॉक हुआ पड़ा है. आयुर्वेदा क्या कहता है, हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है, ये पता है हमको. क्योंकि जो भी फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को, चाहे ब्रेन को चाहिए, चाहे और ऑर्गन्स को चाहिए, कुछ भी चाहिए, यानी जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कहां पर होता है? यहां पर होता है. तो अगर पेट हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन कैसे ठीक काम करेगी? लगाओ दिमाग. मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का स्टूडेंट हूँ, मैं एलोपैथी भी पढ़ता हूँ. तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में सारी वही ड्रग्स आ रही थी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेडेटिव्स, एंटी हिप्नोटिक्स, जो आजकल डॉक्टर्स देते हैं. सबसे पहले सर आपने जो एक बात बोली ना कि रूट, वो मेन चीज़ वही है. मैंने काफ़ी पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं डिप्रेसेंट के, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें दे दी, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो गया. अब क्या है, बंदा सो गया. तो उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने मेडिसिन ली है आखिर वो कर क्या रही है. वो ये कर रही है ना कि वो मुझे सुला रही है. तो क्यों सुला रही है, डॉक्टर क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है ताकि आप जो है सोचे ना, माइंड आपका ज्यादा ना सोचे, ओवरथिंकिंग. जब आप ओवरथिंकिंग में पहुंचते हैं ना तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है, तो सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो, स्ट्रेस्ड आउट. देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना अपनी बॉडी को, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है. जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है. ऐसा होता है, नहीं होता है? yes, ये जो मेडिकेशन है क्या करती है, जो चीज एक तरीके से सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देती है. ऐसे ही होता है? यस सर, यही होता है. एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, आप और बताओ. हाँ, तो सर यही कंडीशन ना, जैसे कि अब आप एंटी सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे ना, तो एक कंडीशन वो आएगी सर, आपको उतनी डोज से नींद नहीं आएगी. फिर ये इसका साइड इफेक्ट जो आप सर बात कर रहे हैं, डोज बढ़ानी पड़ेगी. हाँ, डोज बढ़ानी पड़ेगी. तो इससे क्या होगी, कंडीशन आगे के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस ड्रग से. और एक प्रॉब्लम और है मेडिकेशन में, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. मेडिकेशन क्या कर सकती है, एक तो जो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हुई पड़ी है, ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट है, आपके ऑर्गन स्ट्रेस्ड आउट है, उसको रिलैक्स कर दिया. दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है, आपको उठा सकती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकती है जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाओगे. ये दोनों ही स्टेजेस अगर नेचुरल ना हो तो खतरनाक है. जैसे कि सर कैफीन होती है. हाँ, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है. हाँ, तो कैफीन हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराता है, एक्सपाइक हमको बहुत अच्छा लगता है. हम लोग क्यों कहते हैं चाय पीनी है, हमको चाय पीने के बाद अच्छा लगता है. हाँ, उसमें कैफीन होता है. हाँ, सर यही सब. राइट. हाँ, एक मिनट रुको, अभी हम और बात करेंगे. नहीं, सही है, क्योंकि टेक्निकली भी बात हो रही है ना. इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम.
क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? तेजी से सोच रहे होते हैं, बहुत धीरे सोच रहे होते हैं? तो स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम है, अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्लैरिटी है तो जितना मर्जी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ये सेशन हमारा चलने वाला है, मान लो जितनी भी देर तक चलने वाला है, अगर ये पूरे दिन भी चलता रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल नॉट फील टायर्ड। तो मैं अभी सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ? या फिर रिलैक्स पड़ा हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हो भैया, ऐसा तो नहीं है ना? आपने बोला, मैंने सोचा, यहाँ से मैंने कुछ बोला, आपने बोला, तो एक कम्युनिकेशन चल रहा है। एक के बाद एक हम लेयर्स को हटाते चले जा रहे हैं, मतलब थिंकिंग बहुत ही डीपर लेवल पर चल रही है। उसकी वजह से क्या मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ? नहीं। जितना थिंकिंग में क्लैरिटी आती चली जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो कभी भी ये मत समझ लेना थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो इन मेडिसिन की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है आपको थिंकिंग की जरूरत हो और माइंड इतना रिलैक्स हो गया है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है मेडिसिन, आपको एक्साइटेड कर सकती है। वो जो केमिकल्स अंदर जा रहे हैं ना, उसकी डोज बढ़ाते चले जाओ, इतने एक्साइटेड हो जाओगे, इतना फड़फड़ा जाओगे, होश भी नहीं होगा कि कर क्या रहे, मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाओगे। और जब भी आप जरूरत से ज्यादा खुश हुए हो पास्ट में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना, तब आपके साथ लाइफ में ज्यादा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरा है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन भी बुरा है। अब जरूरत कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा आपके लिए? क्या कोई डॉक्टर? क्या कोई दवाई? ये आपको खुद को पता होना चाहिए। ब्रेन कैसी होनी चाहिए? जो ना डल हो ना ओवर एक्साइटेड हो, नॉर्मल एक स्टेट में हो। नहीं तो प्रॉब्लम इसकी एक बहुत बड़ी क्या है कि इन मेडिसिन की वजह से जो एक्साइटमेंट हमको मिलता है, लोगों को उससे अटैचमेंट हो जाती है। फिर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, माइक लेकर के बताना मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, फिर अगर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, जैसे एक बंदे की एक नॉर्मल स्टेट है, उसमें अगर उनको लाया जाएगा तो वो कहेंगे इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ डॉक्टर साहब। उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है उसके बारे में हमको सोचना है। अभी मैंने एक फ्यूल का एग्जाम्पल आपको दिया था, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड मतलब क्या? वॉट इज फूड? वॉट डू यू कॉल एज फूड? बर्गर, पिज्जा, वॉट डू मीन बाई हेल्थी फूड? फिजिकल एक्टिविटी से तो फ्यूल बर्न होगा, उसके बाद में हमको फ्यूल चाहिएगा। नहीं तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करो और फ्यूल ढंग का ना लो तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपके लिए नुकसान करेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल का। व्हाट इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी? जो हम खा रहे हैं सुबह से रात तक, वो पैकेज फूड जो खा रहे हैं, जो आपको बेचा जा रहा है, जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आकर के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो वो खुद नहीं खाते हैं बट आपको खिला रहे हैं, वो फूड है। पसंद क्या है? यहाँ से ऑनलाइन, यहाँ से ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, चले चले जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं सर आपकी बातों का असर नहीं होता। डाइट के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आप गैदर कर लो, कि जो वाइट चीजें होती हैं उसको अवॉइड करो। वाइट क्या है? शुगर, सॉल्ट, वाइट ब्रेड, ये सब जो वाइट चीजें होती है ना, उससे थोड़ा सा बच करके रहो। तो अब फ्यूल क्या है? फ्यूल सिर्फ खाना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। घोड़ा क्या खाता है? चने तो अगर हम खिला दें तो खाता है, चने कहां से खाएगा वो? घास खाता है? दम होता है घोड़े में? नहीं होता है। तो घास खाने का कर दी ना घोड़ों वाली बात। अरे मैं घास खाने के लिए नहीं, क्या घास में क्या होता है इतना नहीं पता है? मतलब कोई कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है? क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल मतलब क्या, कहां से बनता है वो? सनलाइट से। तो इनडायरेक्टली क्या घोड़ा सनलाइट नहीं खा रहा है? सनलाइट में एनर्जी है या नहीं है? विटामिन डी। अब देख लो ये क्या गड़बड़ हो रही है, सनलाइट मतलब विटामिन डी। सनलाइट का रोल सिर्फ विटामिन डी तक है? या सनलाइट के जो हजारों लाखों फायदे हैं उसमें से एक है विटामिन डी? तो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तरह का फ्यूल है। फ्यूल से क्या होता है, अगर फ्यूल सही जाए हमारी बॉडी में, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इफ यू टेक द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, दैट फूड इज मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यू डोंट नीड एडिशनल मेडिसिन अगर फूड को ही आप ठीक कर लो तो।
Does it make sense? Yes, sir. तो पहला क्या आया? धरती. धरती से रिलेटेड क्या आ गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो. दूसरा क्या है? धरती, जल, पानी. पानी की कमी हो गई तो अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा. खाना उल्टा सीधा खाओगे, अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा. धरती, जल, अग्नि, मतलब सनलाइट. मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूँ डिप्रेशन का. इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है. आपको एक डार्क कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया जाए 7 दिन के लिए, अंधेरे कमरे में, तो एक नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में चला जाए. और अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए घोड़े की तरह, घोड़ों के साथ में, घोड़े भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं. और कुछ लोग अगर घास खाना चाहे तो खा सकते हैं. तो क्या होगा एक हफ्ते बाद? बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है. इसके बाद कौन सा आया? वायु, मतलब हवा. हवा कैसी है हमारे आसपास में, दिल्ली में? बढ़िया है, पॉल्यूटेड. लास्ट क्या है? आकाश. आकाश मतलब स्पेस. आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां अच्छा लगता है या खुले में अच्छा लगता है? किसी पहाड़ के टॉप पे अच्छा लगता है. तो आप कहोगे कि आप पहाड़ पे चले जाए? नहीं जी, घर पे जहां भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, उसकी छत पे तो जा सकते हो. yes, वहां पे छत पे जा करके अच्छा लगता है. yes, sir. तो क्या स्पेस फ्यूल है या नहीं है? yes, इस पे हमारा कितना ध्यान है? या ध्यान है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे? नंबर वन थॉट्स कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया. दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं. आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है. जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज हैं वो परफेक्टली काम कर रही होती है. नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है. कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एटलीस्ट 7 दिन के लिए, मिनिमम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जाओ जहाँ पे खाना ढंग का मिले, पानी अच्छा मिले, हवा साफ सुथरी हो, सनलाइट मिले. उसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पर ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिट्टी विट्टी पूरे लगा करके लिटा देते हैं कहीं पर भी. ऐसा ना हो कहीं जाओ और मैं भी साथ में. सर आप भी पूरी लाइफ आपकी आगे पड़ी हुई है, उसके लिए क्या है 10 दिन निकालना बनता है? नहीं बनता है. yes, गाड़ी की भी हम सर्विस कराते हैं ना. yes, अपनी कितनी बार आपने एक्चुअल में सर्विस करी है अपनी बॉडी की? करते ही नहीं. इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है. बात क्या होती है? टॉप करो, ये करो, वो करो. इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो. तो करके भी इन खचरों का कुछ होता नहीं है. और रोने लग जाते हैं तो सर ये तो कर लिया लेकिन, सर लेकिन, सर लेकिन, लेकिन. फिजिकली ठीक का मतलब क्या और खराब का मतलब क्या? डिस ईज, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है. डिस ईज, वेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज. जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो फ्यूल के लेवल पे, वो गड़बड़ करनी बंद कर दो तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाती है. वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ के. और वहां पे जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहां पे जो भी मैं अभी कर रहा हूं 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूंगा अगले 1 साल तक. नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलीडे की तरह हो गया, बेकार हो गया. यू गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है अभी आप में से कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो. तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है. Wish you all the very best. Thank you so much for coming here.